असलम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम इन फाइनइट लिमिट्स की बात करेंगे और इसके लिए एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 59 से 62 तक सॉल्व करने वाले हैं सो इन क्वेश्चंस में हमें कुछ नंबर्स पर लेफ़्ट और राइट लिमिट्स वैल्यूएट करनी है क्वेश्चन नंबर 59 में हमारे पास लिमिट वैल्यूएट करनी है टू माइनस ओवर टी टू द पावर वन ओवर थ्री और ए पार्ट में ज़ीरो पे लिमिट राइट साइड से और बी पार्ट में ज़ीरो से लिमिट लेफ़्ट साइड से राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस कर चुका हुआ हूँ किसी भी नंबर के राइट right का मतलब ये है कि आपने उस नंबर को राइट right साइड से अप्रोच करना है यानी राइट साइड पे आप जानते हैं ना ज़ीरो से या किसी भी नंबर के राइट right पे उससे बड़े नंबर होते हैं ठीक है तो राइट right साइड से अप्रोच करने का मतलब है कि ज़ीरो से बड़े नंबर होंगे यहाँ पे राइट right. और ज़ीरो के राइट right पे पॉजिटिव नंबर होते हैं ये सब जानते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो जब आप पॉजिटिव नंबर से ज़ीरो की तरफ चल के आएँ तब ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा और जब आप नेगेटिव नंबर से ज़ीरो की तरफ चल के आएँ तब ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा आज के इस लेक्चर में फिफ्टी नाइन क्वेश्चन में बल्कि हम इसी को देखेंगे सो पार्ट ए में वी हैव लिमिट टी अप्रोचेस ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड एंड आवर फंक्शन इज़ टू माइनस थ्री ओवर e टू द पावर 1 ओवर 3 ठीक है दिस इज इक्वल टू सिंपली आप लगाएंगे तो इसमें जीरो ही देखें टू माइनस थ्री ओवर ज़ीरो टू द पावर वन ओवर थ्री ठीक है बट इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जीरो की राइट साइड है और ज़ीरो की राइट पे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव तो अल्टीमेटली ये नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव ही बनेगी पॉजिटिव की पावर वन ओवर थ्री पॉजिटिव ही होगी ठीक है ये बनेगा टू माइनस थ्री ओवर जीरो अल्टीमेटली टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा सम नंबर ओवर जीरो इज इन्फिनिटी तो टू माइनस इन्फिनी का भी आंसर भी माइनस इन्फिनिटी होगा ठीक है चूँकि इन्फिनिटी हम एक बहुत बड़ा नंबर कंसिडर कर लेते हैं और जब ये छोटा नंबर हम माइनस करते हैं छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो बड़े वाले नंबर का साइन साथ में आता है ठीक है तो इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है इसी तरह अगर बी पार्ट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास लेफ्ट साइड से हमने चल के आना है वी हैव लिमिट टी अप्रोच सॉरी टी अप्रोच जीरो फ्राम लेफ्ट साइड नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है लेफ्ट साइड से चल के आ रहे हैं और टू माइनस थ्री ओवर टी टू द पावर वन ओवर थ्री एंड इस मरतबा जीरो के लेफ्ट से जा रहे हैं और जीरो के लेफ्ट में नंबर होंगे नेगेटिव में लेफ्ट से ये माइनस वन है देन माइनस जीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा इस तरीके से चलते जाइए ये आपके पास माइनस ज़ीरो पॉइंट वन आएगा मज़ीद करीब जाएंगे तो माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो वन आ जाएगा तो ये नंबर्स माइनस में हैं और पावर है टी की वन ओवर थ्री ऐसे ही है तो जब आप चूँकि वन ओवर थ्री है ना थ्री इज़ एन ओड नंबर तो इन नंबर्स में जब इसकी पावर इनकी लेंगे आप वन ओवर थ्री तो आंसर नेगेटिव में आएगा ठीक है तो एक्चुअली में टू माइनस थ्री ओवर देखिए लगाएँगे हम जीरो यहाँ पर बट आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप किस तरफ से ज़ीरो की तरफ चल के आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव की पावर वन ओवर थ्री में नेगेटिव आता है तो ये एक्चुअली में हमारे पास बन रहा होगा टू माइनस माइनस का इन्फिनी ठीक है अल्टीमेटली ये टू प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा इन्फिनी में कोई भी नंबर ऐड किया जाए तो वो एक्चुअली में इन्फिटी ही रहता है उसमें कोई चेंज नहीं आता ठीक है तो ज़ीरो के लेफ्ट से जब इस फंक्शन को अप्रोच करेंगे ये फंक्शन पॉजिटिव इन्फिटी की तरफ जाएगा ओके okay. नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में दिस इज सिमिलर टू द अबव क्वेश्चन जीरो पर ही हमने लिमिट फाइंड करनी है फंक्शन भी कुछ मिलता जुलता है तो इस केस में पहले ज़रा राइट लिमिट देख लेते हैं लिमिट टी अप्रोच इज ज़ीरो फ्राम राइट साइड और अब की बार हमारा फंक्शन है जी वन ओवर टी टू द पावर थ्री ओवर फाइव प्लस सेवन राइट ज़ीरो की राइट right पे आप अभी ऊपर बता के आए हो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव ज़ीरो से बड़े ठीक है तो आप डायरेक्टली जब इसमें ज़ीरो लगाएंगे तो एक्चुअली में पॉजिटिव पार्ट ही कंसिडर होगा तो वन ओवर ज़ीरो टू द पावर थ्री ओवर फाइव प्लस सेवन दिस इज़ वन ओवर इन्फिटी सॉरी वन ओवर जीरो जो कि इन्फिनी बनता है इसमें कुछ भी ऐड कर लीजिए आंसर आपका इन्फिटी ही आएगा सो राइट साइड से अप्रोच करने से आपका फंक्शन इन्फिटी की तरफ जा रहा है इसी तरह बी पार्ट में अगर देखें तो उसमें हमने लेफ़्ट साइड से अप्रोच करना है टी अप्रोच ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड और सेम फंक्शन है वन ओवर टी टू द पावर थ्री ओवर फाइव प्लस सेवन दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो की लेफ्ट पे नंबर कौन से हो सकते हैं आप माइनस वन से स्टार्ट कर सकते हैं देन वी हैव माइनस सॉरी माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव फाव हो सकता है ठीक है माइनस ज़ीरो पॉइंट थ्री हो सकता है माइनस ज़ीरो पॉइंट वन हो सकता है मजीद करीब जाएंगे तो माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन हो सकता है ये सब नंबर नेगेटिव में हैं इनकी पावर्स अगर थ्री और फाइव ली जाए माइनस वन की जैसे पावर अगर आप थ्री और फाइव लेते हैं तो चूंकि ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना थ्री एक्चुअली में ऑड है ठीक है तो फाइव एक्चुअली ऑड है तो ये इसका आंसर हमारे पास माइनस वन ही आ रहा होगा राइट तो माइनस में बेसिकली ये बड़ा नंबर होगा आप जितना यहाँ पर नंबर छोटा लेंगे अल्टीमेटली वन ओवर है ना वन ओवर टी टू द पावर थ्री ओवर फाइव तो ये नंबर उतना बड़ा हो जाएगा राइट में और ये माइनस में होगा ठीक है तो ये इसका आंसर बेसिकली बन रहा होगा आपने पुट अगेन ज़ीरो ही करना है जीरो uh, की पावर थ्री ओवर फाइव प्लस सेवन बट साइंस का ख्याल करना है तो ये एक्चुअली में बन रहा है माइनस का इन्फिनी और रीज़न बता चुका हूँ क्योंकि ये नंबर्स माइनस में आ रहे हैं टी तो की पावर थ्री ओवर फाइव ली जाए तो सबका आंसर नेगेटिव में आएगा तो कुछ ऐड करें अगेन आपका आंसर इसमें माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नेक्स्ट मूव करते हैं जी सिक्सटी वन पे जिसके चार पार्ट्स हैं फंक्शन गिवन है आपने बिल्कुल सिमिलर है कोई चेंज नहीं है इसमें आपको सबसे पहले इसकी ज़ीरो पे राइट लिमिट वेल्यूट करनी है दिस इज़ ओवर पार्ट ए सो लिमिट इस मरतबा जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो एक्स है टी की बजाय और फंक्शन आपके पास है जी वन ओवर एक्स टू दावर टू ओवर थ्री माइनस सॉरी प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन विद द सेम पावर टू बाई थ्री और जीरो की राइट से आप अप्रोच करना चाह रहे हैं जीरो की राइट right पे नंबर्स आपके पास होते हैं प्लस में ऐसे ही है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो so, लगा दीजिए लिमिट विच इज वन ओवर जीरो टू द पावर टू बाई प्लस टू ओवर ज़ीरो माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री तो ये वन ओवर जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा एंड ये आपको बस बनेगा जी प्लस टू ओवर माइनस वन टू द पावर टू ओवर थ्री ठीक है तो ये माइनस वन की पावर टू ओवर थ्री है इसको आप लिख सकते हैं ना माइनस वन की पावर टू और होल पावर वन ओवर थ्री ठीक है तो माइनस वन की पावर टू होती है वन वन की पावर आ जाएगी वन ओवर थ्री तो ये एक्चुअली में इक्वल टू वन के ही आएगा तो ये इन्फिनी प्लस टू बन रहा है बेसिकली चले मैं यहीं पे अगर लिख दूँ इन्फिनिटी प्लस टू अल्टीमेटली आपका आंसर इन्फिटी ही बचेगा राइट right? तो जब आप ज़ीरो को राइट right से अप्रोच कर रहे हैं तो गिवन फंक्शन आपका इन्फिटी की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ इस तरह से अच्छा इसी तरह से बी पार्ट में ज़ीरो पर ही लिमिट वैल्यूट करनी है बट इस मरतबा लेफ्ट लिमिट है सो so, लिमिट एक्स अप्रोच ज़ीरो फ्राम लेफ्ट साइड एंड आवर फंक्शन इज़ वन ओवर एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री एंड इस मरतबा ज़ीरो की है लेफ्ट साइड तो जब भी लेफ्ट साइड होगी तो आपने केयरफुल रहना है इसका मतलब है नेगेटिव नंबर्स की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो लगा दीजिए जी वन ओवर ज़ीरो की पावर टू बाई थ्री प्लस टू ओवर टू ओवर ज़ीरो माइनस वन पावर टू बाई थ्री लेकिन इस मरतबा ज़्यादा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो की पावर है टू बाई थ्री टू न्योमनेटर में आ रहा है अगर आप नेगेटिव नंबर से अप्रोच करेंगे तो भी ये पॉजिटिव बना देगा उनको तो so अल्टीमेटली ये इसका आंसर इन्फिनी ही आएगा इस केस में भी उसकी वजह यह है कि इसकी पावर में एक इवन नंबर आ रहा है ना इवन नेगेटिव की पावर इवन में हो तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं इसी तरह से माइनस वन की पावर टू बाई थ्री भी अगेन आपके पास टू ओवर वन बनेगा तो अल्टीमेटली इस केस में भी आपका आंसर जो है वो इन्फिनी आ रहा होगा यानी अगर आप जीरो को बेशक लेफ्ट से अप्रोच करें या राइट से करें थोड़ा सामने वैसे उल्ट कर दिया काम ये आपकी लेफ्ट लिमिट है एंड दिस वन इज़ राइट लिमिट दोनों केसेस में ही आपका फंक्शन इन्फिनी को अप्रोच कर रहा है चले अब चलते हैं इसके सी पार्ट में सी और डी में हमें वन की राइट right और लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट करनी है सो लिमिट एक्स अप्रोच इज वन सी पार्ट में है राइट लिमिट ओवर फंक्शन इज़ वन ओवर एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन पावर टू बाई थ्री सो लगा दीजिए जी लिमिट वन की राइट पे वन से बड़े नंबर होंगे वन पॉइंट वन आ जाएगा जीत करीब होंगे वन पॉइंट ज़ीरो वन आ जाएगा बट रहेगा वन से बड़ा ठीक है ओके सो ये आएगा जी वन ओवर वन टू द पावर टू बाई थ्री प्लस टू ओवर एक्स की जगह पर आपने लिमिट लगानी है तो ये आ जाएगा वन माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री ठीक है क्योंकि आपके पास इस मरतबा अगेन पावर इवन है तो बेशक अंदर नेगेटिव नंबर आए या पॉजिटिव आए मैटर नहीं करता वैसे आएगा पॉजिटिव इस मरतबा चूँकि वन की राइट right साइड से कर रहे हैं ना तो ये आंसर आपका ओवरऑल पॉजिटिव में रहेगा तो ये वन ओवर वन वन हो जाएगा एंड दिस वन वुड बी टू ओवर जीरो टू ओवर जीरो होता है अनडिफाइन कुछ भी इसमें एड सब करें आंसर आपका ही रहेगा सो सी पार्ट में भी आपका फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं वैसे इसका ग्राफ आप चेक कर सकते हैं किसी कैलकुलेटर से काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ बनने वाला है इसका ओके okay, इसी तरह लास्ट पार्ट पे आ जाइए जिसमें हमें वन पे ही लेफ्ट लिमिट अवेल्यूएट करनी है एक्स अप्रोच करेगा वन को लेफ्ट साइड से एंड आवर फंक्शन इज वन ओवर एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन टू द पावर टू बाई थ्री सो वन की है लेफ्ट साइड नंबर्स होंगे वन से छोटे जैसा कि माइनस ज़ीरो पॉइंट एट हो सकता है सॉरी सॉरी प्लस जीरो पॉइंट एट इसी तरह से ज़ीरो पॉइंट नाइन आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन नाइन आ जाएगा तो so इस तरह से आप इस वन को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से ठीक है तो ये सब नंबर्स वन से छोटे ही रहेंगे तो ये आंसर में बनेगा जी वन ओवर वन टू द पावर टू बाई थ्री प्लस टू ओवर इस एक्स की जगह पे लगाएंगे वन बट चूँकि लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो आपके नंबर स्टार्ट होंगे यहाँ से ज़ीरो पॉइंट सॉरी स्टार्ट नहीं कह सकते बट इससे छोटे नंबर होंगे वन से तो छोटे में से जब बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो अंदर नेगेटिव साइन आएगा बट पावर है टू बाई थ्री ये सब कुछ पॉजिटिव कर देगी ठीक है तो नीचे जो पॉजिटिव टर्म बनने वाली है ओवरऑल तो ये आ जाएगा जी वन ओवर वन प्लस टू ओवर जीरो तो वन ओवर वन इज़ वन टू ओवर जीरो इज़ इन्फिनिटी सो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड किया जाए तो आंसर इन्फिनिटी ही बनेगा ठीक है तो so, इसका आप मैं वैसे आपको रिकमेंड करूँगा ग्राफ ज़रूर देखिएगा एक ऑनलाइन हमारे पास ग्राफिंग कैलकुलेटर होता है इसकी प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड डेस्मोस काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा क्योंकि ज़ीरो की लेफ्ट और राइट पे भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वन की लेफ़्ट और राइट पे भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है सो और राइट आज का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले से सेमिलर है बस माइनर चेंजिंग के साथ चलिए इसकी भी लिमिट्स हमें ज़ीरो पे ही वैल्यूएट करनी है बहुत लेफ्ट एंड राइट एंड वन पे भी राइट एंड लेफ्ट स्टार्ट विथ पार्ट ए लिमिट एक्स अप्रोच इज ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड एंड ओवर फंक्शन इज वन ओवर एक्स टू द पावर वन बाई थ्री माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन टू द पावर फोर बाई थ्री दिस इज़ इक्वल्स टू तो ज़ीरो की है जी आपके पास राइट साइड तो मैं एक रियर लाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ एंड लेट्स से यहाँ पर आपके पास है ज़ीरो जीरो की आपने राइट right साइड से ज़ीरो की तरफ आना है तो आप जानते हैं जीरो की राइट पे होते हैं नंबर पॉजिटिव में ठीक है और ज़ीरो से बड़े भी होते हैं राइट ओके सो यह आ जाएगा जी वन ओवर ज़ीरो टू द पावर वन ओवर थ्री इस ज़ीरो का एक्चुअली मतलब ज़ीरो नहीं होता आपको बार बार बता रहा हूँ इसका मतलब है कि अगर आप लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं या इन केस इस केस में राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़ीरो से बड़े नंबर्स होंगे जो कि पॉजिटिव पे होते हैं ठीक है अल्टीमेटली आप जीरो पे ही कर रहे होंगे माइनस वन ओवर ज़ीरो माइनस वन टू द पावर फोर बाई थ्री तो ये वन ओवर ज़ीरो क्या बनेगा ऑफ कोर्स इन्फिनी बनेगा माइनस देखिए नीचे बनेगा चलिए मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री क्योंकि न्योमिनेटर में ओड है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ ना माइनस वन की पावर फोर और इसकी होल पावर वन बाई थ्री अब माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा प्लस वन प्लस वन की पावर फोर बाई थ्री जो कि इक्वल आ जाएगा वन के तो ये आएगा एक्चुअली में इंफिनिटी माइनस वन दिस माइनस और ये इसका आंसर वन बनेगा तो इन्फिनी में से आप कुछ भी माइनस कर लीजिए उसका आंसर हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी ही रहेगा ठीक है सो दिस इज इक्वल्स टू इन्फिनीटी इसी तरह से सेम लाइन्स में अब आपको ज़ीरो की लेफ्ट लिमिट वेल्यूट करनी है सो लिमिट एक्स अप्रोच इज ज़ीरो फ्राम लेफ्ट साइड एंड आवर फंक्शन इज़ वन ओवर एक्स टू द पावर वन बाई थ्री माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन टू द पावर फोर बाई थ्री इज इक्वल टू अब आप आ रहे हैं जीरो की लेफ्ट साइड से जहाँ पर नंबर होंगे ज़ीरो से छोटे माइनस वन होगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव होगा सॉरी माइनस जीरो पॉइंट वन होगा तो जीरो की लेफ्ट पे नंबर्स होंगे नेगेटिव में तो नेगेटिव नंबर्स की पावर जब आप लेते हैं ना वन ओवर थ्री जहाँ पर दोनों ही आपको और नंबर्स नज़र आ रहे हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में भी तो एक्चुअली में तो ये वन ओवर जीरो की पावर ही वन ओवर थ्री होगा बट ये साइन नेगेटिव होगा इसकी वजह क्या है जीरो की आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और लेफ्ट पे वन जीरो से छोटे नंबर्स होते हैं ये नेगेटिव में नंबर्स होते हैं तो नेगेटिव की पावर वन ओवर थ्री भी नेगेटिव में होती है ठीक है माइनस वन ओवर ज़ीरो माइनस वन पावर फोर बाई थ्री तो इसका आंसर आएगा वन ओवर जीरो का नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस नीचे चूंकि पावर है फोर ओवर थ्री पहले भी बता चुका हूँ इसका आंसर वन ही आएगा ठीक है ना प्लस का वन आएगा बट ये माइनस सात वैसे ही चल रहा है तो माइनस इन्फिनिटी माइनस वन आंसर भी माइनस इन्फिनिटी आएगा ठीक है सेम लाइंस पे अब आपको इसके सी और डी पार्ट्स करने हैं जिसमें वन पे हमें लिमिट्स वैल्यूएट करनी है सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर सी जिसमें लिमिट है जी एक्स अप्रोच इज फ्रॉम राइट साइड एंड फंक्शन इज वन ओवर एक्स टू द पावर वन बाई माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन टू द पावर फोर बाय थ्री वन की राइट साइड मतलब वन से बड़े नंबर right. so, राइट uh, yeah, so, तो ये आ जाएगा जी सिंपली वन ओवर वन की पावर फोर बाय थ्री माइनस वन ओवर वन माइनस वन की पावर फोर बाय थ्री या देट्स इट ठीक है सो वन ओवर वन ये वन की पावर फोर बाय थ्री भी वन होता है तो ये वन बन जाएगा माइनस वन ओवर जीरो तो वन ओवर जीरो क्या होता है इन्फिनिटी होता है तो ये आ जाएगा वन माइनस इन्फिनिटी अल्टीमेटली इसका आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी राइट ओके लास्ट पार्ट में वन पे ही हमें लेफ्ट लिमिट देखनी है सो so ये मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन खुद करें एक मिनट के अभी वीडियो को पोस्ट करें और ये ख़ुद से कोशिश करें अगर नहीं हो रहा नहीं कहीं से प्रॉब्लम आती है तो फिर आप देख सकते हैं वन ओवर एक्स टू द पावर वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन टू द पावर फोर बाई थ्री दिस इज इक्वल्स टू वन की है लेफ़्ट साइड तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है मैं आपको रियल लाइन लगा कर भी बता देता हूँ लेट से ये आपकी रियल लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट वन फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर पड़ा हुआ है और आपने इसको अप्रोच करना है फ्राम लेफ़्ट साइड लेफ्ट पे नंबर्स होंगे लेट से ज़ीरो है फिर जीरो पॉइंट फाइव आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट नाइन एंड वन से छोटे नंबर हैं ठीक है तो ये एक्चुअली में इक्वल किसके आएगा वन ओवर ये तो वन ही लगाएंगे ना वन की पावर वन बाई थ्री माइनस वन ओवर एक्स की जगह पे आप लगा तो वन ही रहे हैं बट इस वन का मतलब है वन से छोटे नंबर्स ठीक है तो मसलन आप इसको जीरो पॉइंट नाइन कंसिडर कर सकते हैं तो जीरो पॉइंट नाइन में से जब माइनस वन करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा बट पावर फोर बाई थ्री की वजह से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो नीचे वाली जो टर्म आपको नज़र आ रही है ये पॉजिटिव में है बेसिकली सो वन ओवर वन का आंसर वन आ जाएगा माइनस वन ओवर ज़ीरो आ जाएगा ये ज़ीरो हम पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे ठीक है जीरो खैर इट अपने आप में तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है बट ये लेफ़्ट लिमिट की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो ये बनेगा वन माइनस इन्फिनी और वन में से आप इन्फिनी माइनस करेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो माइनस इन्फिनी ही रहेगा ठीक है सो so, ये था इसका डी पार्ट और आई थिंक आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है चार सवाल आज हमने सॉल्व किए हैं डिफरेंट फंक्शंस की लेफ्ट और राइट लिमिट्स फाइंड करना सीखी हैं राइट सो so, नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारे पास कुछ सिमिलर सा काम होगा आज के लेक्चर से मतलब अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं अदरवाइज मुलाकात होगी इन नेक्स्ट लेक्चर में तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू वेरी मच